गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज अब हम पहले शुरुआत कर रहे हैं। आज सबसे पहले भगवान जी के लिए है, क्या बना रहे हैं शीतल? रोट। अच्छा, तो रोट क्यों बनते हैं? ये हमारे वहाँ शुभ अवसरों पे भगवान जी को चढ़ाया जाता है, चाहे वो शादी हो या फिर कोई पूजा पाठ हो, तो हमारे वहाँ ये बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है। रोट पे चढ़ाया जाता है और न्यू ईयर में, नए साल में भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो इससे पहले भी शीतल ने रोड बनाए अपने मम्मी के घर में? नहीं, बनाए होंगे पर आज तो बहुत अच्छे रोड बना रही है शीतल। और ये आटा शीतल ने ही तैयार किया, तो पहले आटे में क्या करा, मोइन वगैरह डाला ना? हाँ, घी से मोइन करा। घी से मोइन करा और फिर इसको गुड़ के पानी में, गूथा इसको। तो एक बर्तन में हम गुड़ अलग से उबाल लेते हैं और फिर उसको ठंडा करके, और जो इस आटे में हमने मोइन को डाला है उस आटे को हम गूथ लेते हैं और फिर इसके बनते हैं रोट। ये इसको बनाने की भी एक ये टेक्निक। हाँ, इसके किनारे ऐसे मोड़े जाते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से मोड़ी है शीतल, और रोट भी बड़े अच्छे बना रही है। और पूरे एक साइज़ के रोट बना रखे हैं, क्योंकि अपने इष्ट देव को भी रोट चढ़ेंगे आज, मैया जी को रोट चढ़ेंगे और फिर रामगढ़ हनुमान जी के मंदिर में रोट चढ़ेंगे, तो हम सब लेके जाएंगे। अब शीतल डालने जा रही है, ये इसने रोट डाल दिया है और काफ़ी इसने रोट, ये देखिए, ये बना के रख दिए और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं रोट। और हम पहाड़ी लोग जो होते हैं वो तो सब जानते ही हैं इसके बारे में, बाकी और सबके लिए भी है कि ये रोट खाने में बहुत क्रिस्पी और अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं। तो वैसे भी आप लोग, जैसे हम मीठी मठरियाँ बनाते हैं एक तरीके से, ये उसी का एक अलग सा रूप है जो भगवान जी के लिए स्पेशली बनाया जाता है। और साथ में हमने मैया जी को आज हलवे का भोग लगेगा, तो ये भी शीतल ने तैयार कर दिया है। और ये भी हमने इसमें भी मीठे के तौर पे गुड़ी डाला है, तो तभी इसका थोड़ा सा रंग अलग सा है। जैसे चीनी वाला होगा तो वो वाइट वाइट सा हलवा दिखेगा, और जो गुड़ वाला होगा वो ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा। तो मैया जी के लिए हलवा भी तैयार हो गया है और साथ में रोट भेंट भी तैयार हो गई है। तो अब करेंगे हम पूजा की ओर, तो चलते हैं फिर शीतल। ओके, तो दोस्तों अब हम हो गए हैं रेडी वहाँ रामगढ़ जाने के लिए। और ये देखिए, अब आपको दिखाती हूँ, ये स्तुति शाह तैयार, और ये सीएम साजी ने सबसे हमें आज लेट कर दिया है बहुत ज़्यादा, हम भी पहुँचाएंगे जल्दी। हाँ, और ये ज्योति तैयार, और सुमन शाह जी हमारी मिसेस ब्लॉगर, ब्लॉगर जी सुबह से आपने ब्लॉग बना लिया अपना? बिल्कुल। और रेडी हो रामगढ़ के लिए? गाना सुनाओगी रास्ते में सबको? हाँ, गाना सुनाएंगे, हनुमान जी के भजन गाएंगे। ठीक है, और हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, भंडारा करते हैं, वहाँ पर सुंदरकांड भी पढ़ना है टाइम से पहुँच के, तो अब निकलते हैं रामगढ़ की ओर। चलिए चलिए। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं और पीछे बैठे हैं शीतल शाह और ज्योति, और इधर से स्तुति, और शिवम साजी चला रहे हैं गाड़ी। आगे देखो शिवम साजी ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए हल्द्वानी कितना सुंदर लग रहा है, सुबह सुबह आसमान नीला, बिल्कुल चमकता हुआ मौसम, शरद ऋतु की बहार। तो चलते हैं रामगढ़ की ओर। तो अब हम पहुंच गए हैं भीमताल, और ये दिखाई दे रहा है लेक, देखिए, और ये है ऊपर, और सीएम साजी गाने सुनते हुए जा रहे हैं। और ये सीएम साजी कट्टा लाते हुए इसमें रामगढ़ के भंडारे का सामान ले जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आज का जिम मेरा यही हो गया, ये रख दिया इन्होंने।
और स्तुति शाह ने अपने खाने का सामान पैक कर लिया है और अभी हम अब श्याम खेत के पास पहुंचने वाले हैं। चलो निकलते हैं। तो हम रामगढ़ पहुंच चुके हैं और ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, बस अब पहुंचने वाले हैं। और ये पुल भी आ गया है, जैसे कि पिछले ब्लॉक में पुल के पास हमने गाड़ी पार्क की थी, तो अभी आज ज़्यादा लोग हैं तो परिवार वाले, तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ गई हैं सभी की, या सबकी गाड़ियाँ फैमिली वालों की खड़ी हैं। हम भी यहाँ पे कहीं जगह देख के गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं मंदिर की ओर। स्वामी प्रणत पाल उर अंतर जा, उर कर्म दास नही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवहि, कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावन, एवं वासु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, जगत बिसखा तब इच्छा नाही, मोरे दर सोग जग माही, अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृषि नव भय अपार, रावण क्रोध हरल निज, सास समीर प्रचंड गंभीरा, संकुल मकर उर गज सजागी, अतिहार दुष्कर सब भाति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोधक तब साए, जग पित तन निधि अस जाई, विनय करई सागर सम जाई, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरई कटक नमोरी पड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो वेद जतु मही सुनाई, सुनत विनीत वचन अति तहक पाल मुस्ताई, जे निधि उतरे कपि कटक मंगल भवन वगैरह पूरा संपूर्ण हो गया यहाँ पे और सुंदरकांड का पाठ भी हो गया। आप ये नेहा प्रसाद बांट रही है और मंदिर में सब प्रसाद का बांट रहे हैं सबको, और अब आगे बच्चों का खाना प्रसाद शुरू हो गया है। आरती भाभी केले का प्रसाद लेके आ गई हैं और ये
शीतल लड्डू बांट रही है। और ये सब भंडारा शुरू हो गया है और बच्चों का खाना चल रहा है अभी पहले, और कुछ बड़े भी बैठ गए हैं। ये सभी बच्चों का खाना चल रहा है। और वो मुन्ना भी और कुम्मी भी रामायण के बाद अब आपस में गुफ्तगू करते हुए। और सीएम साजी आप क्या बांट रहे हैं? सीएम साजी क्या बांट रहे हैं? अरे सीएम साजी पूरी बांट रहे हैं। आटा तो उन्होंने गूदा नहीं, आटा गूदा नहीं, घर से सोच के आए थे आटा गूदेंगे, पर यहाँ पूरी बांट रहे हैं। और पुष्पेश दादा क्या बांट रहे हैं? पूरी। अच्छा। और मैं केला खा रही हूँ। और अनुपमा केला खा रही क्योंकि अब व्रत है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है तो इसलिए भूख लग गई। और यहाँ पर बड़ी संख्या में सारे बच्चे पूरियाँ बनाने में, यस पूरियाँ बेली जा रही हैं। स्तुति सा ने बहुत पूरियाँ बना दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अखिल साजी और राजा दा और बाबा दा प्रसाद कैसा हो रहा है? प्रसाद गजब। और भूख के बाद तो और स्वादिष्ट लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी अपने अपने काम में व्यस्त, कोई पूरियां बनाने में व्यस्त है, कोई यहाँ पर कन्या पूजन भी चल रहा है, और साथ में ये सब्जी बाटी जा रही है, मिक्स सब्जी बनाई जाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और यहाँ पर अभी साजी क्या बांट रहे हो? बाप रे बाप, अरे अभी साजी ने तो चार चार वाला ले रखा है, चटनी रायता गट। और विनय जोशी जी खा लिया, भोजन हो गया? अरे कैसा लगा फिर प्रसाद? बढ़िया लगा। और रामगढ़ आके कैसा लगा? रामगढ़ बस पहले बार आ रहे हो? यहाँ पहली बार। तो कैसा लगा? बढ़िया है यार, बहुत अच्छा था। मौसम भी बहुत अच्छा और मंदिर तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन में ना। गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हुए। और सीमा दी ने यहाँ पर बहुत केले खा दिए और सारे केले, मैं कह रही हूँ अंदर खाली कैसे हुआ मंदिर, और सारे केले यहाँ है। अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। अरे खा लो, मुँह से हाथ डालो, फंस गया लग रहा। और प्रसाद पाते हुए भाभी लोग, और बड़ी चहल पहल चल रही है। और कुम्मी दीदी प्रसाद पाते हुए हैप्पी नवरात्रि, मुन्ना दी हैप्पी नवरात्रि, कृष्णा भाभी हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। सारे केले खा के आप मुझे गले लगा रही। स्तुति ने पूरी बेल दी है और मशीन से आ गई है वो चकला बेलन में, और इससे ज्यादा फास्ट बन रही होगी।
मशीन से ज़्यादा तेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिर साजी लगातार खाने में ही हैं, पता नहीं हमारे लिए कुछ बचेगा भी नहीं बचेगा। हाँ बड़े हम भंडार भरा है, भरा है बिल्कुल। भक्तों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। अरे वाह, खाओगे उसका तीखा मिलेगा। अरे बाप रे, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ जैन साजी खाने में बिजी। जैन साजी वहां से अखिल साजी बताइए, वो खतरनाक कर रखा दो वकीलों ने। नीतू खाना खा लिया? गुड। स्तुति शाह, शीतल शाह, टूटू सब प्रसाद पाते हुए प्रसाद खा रहे हैं। खत्म करो, क्यों खा रहा उसकी फोटो खींच रही है? तभी तो आएंगे फिर ब्लॉग में वो, नहीं खाते हुए आएंगे। मेरे को भी अब दोस्तों भंडारा हो गया समाप्त और अब चल रहा है वहाँ सफाई का अभियान और हम लोग अब बिल्कुल स्नान कर रहे हैं। बहुत खाना खा लिया और आनंद आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम।